हम जा रहे हैं वहां जहां सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो लगाइए जयकारा शेरावाली माता का, जय माता दी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जा रहे हैं एक सिद्धपीठ, शाकुंभरी देवी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए। अभी हो रहा है 6:30, सुबह के 6:30। तो यहाँ से हमें कब लगभग 2.5-3 घंटे लगेंगे शामली से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। जय माता की बोलो। जय माता की। इस टाइम सुबह के 6:30 हो रहे हैं और हम दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर हैं। हम सहारनपुर की तरफ जा रहे हैं और ये दोनों तरफ बाग हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम निकल रहे हैं शामली शहर के बीच में से। सुबह के टाइम यहाँ से निकलना आसान होता है, लेकिन दिन के टाइम ये जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं ये बिल्कुल जाम से भरी हुई होती हैं, तो यहाँ से निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो आते हुए या तो हम बाईपास का रूट अपनाएंगे या देखते हैं क्या करेंगे, लेकिन दिन में यहाँ निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये सुबह का टाइम था इसलिए 5 मिनट में हमने शामली शहर को क्रॉस कर लिया है। अब फिर से हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हुए दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर आ गए हैं। ये जो हाईवे है ये अभी नया बना है और काफ़ी अच्छा और काफ़ी चौड़ा बन गया है। इसमें कुछ पोर्शन अभी बीच में कहीं जगह बाकी हैं जहाँ पर फ्लाईओवर्स हैं, अदरवाइज़ 70-80% ये जो हाईवे है वो कम्प्लीट हो चुका है। और ये सूर्य देवता भी निकलते हुए अपनी हल्की सी झलक दिखलाते हुए, कहीं सरसों के खेत, कहीं गन्ने के खेत, ये हाईवे बहुत ही खूबसूरत है। चारों ओर हरियाली ही से भरा हुआ है। वेस्टर्न यूपी का ये हिस्सा गन्ना बेल्ट के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गन्ने की उत्पत्ति होती है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में। और ये सूर्य देव की लालिमा जोर पकड़ते हुए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि फरवरी में इतनी गर्मी पड़ रही है। आगे तो सोच के ही डर लगता है कि पता नहीं कितनी गर्मी आने वाली है, लेकिन ये पहली बार है कि अभी 10 फरवरी का टाइम है और गर्मी बढ़ने लगी है। अभी हम ये सहारनपुर के और नज़दीक जाते हुए, ये देखिए एक तरफ हल्की सी धुंध है और एक तरफ ये सूर्य देवता निकले हुए हैं। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है और ये हम सहारनपुर में आलमोस्ट एंटर कर चुके हैं, उसके आउटर एरिया पर हैं इस टाइम। और ये हम सहारनपुर सिटी में आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे ख़ास बात है यहाँ के जो डिवाइडर हैं उन पर बहुत ही खूबसूरत पौधे हैं। ये अब तक मैं काफ़ी जगह घूमी हूँ, लेकिन ये शहर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ग्रीनरी शायद बहुत ज़्यादा मेंटेन हो रही है। यहाँ के डिवाइडर्स पर बहुत सुंदर ग्रीन प्लांट्स हैं। अभी यहाँ अंदर हम सहारनपुर मार्केट में हैं और ये हमारे सामने, ये देखिए चौक पर क्या है, मेक इन इंडिया का शेर। तो काफ़ी इंडिया इस टाइम काफ़ी उन्नति पर है और ये किसकी वजह से है ये आप सबको पता है। तो अभी हम सहारनपुर सिटी में से निकलते हुए, और अभी हम सहारनपुर सिटी को क्रॉस कर चुके हैं, उसके आगे अब हम बेहट की तरफ चल रहे हैं। सुबह का समय, खाली सड़क और ये ग्रीनरी, वाकई मतलब समय ही बंद गया है। बहुत ही अच्छा जो है इस टाइम ये लुक आ रहा है। पता नहीं कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, लेकिन आंखों से देखने पर ये बहुत खूबसूरत है। अब हम और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हुए और नज़दीक आ चुके हैं। शाकंभरी मैया का दरबार तो
9 सिद्धपीठों में से एक है। इसकी काफ़ी मान्यता है। लोग यह मानते हैं कि वो जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। और ये काफ़ी बड़ा सिद्धपीठ है। अगर आप लोग अब तक यहाँ नहीं गए हैं या अगर आप गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं गए हैं तो मेरी वीडियो को देखकर आप ज़रूर यहाँ जाइए। बहुत अच्छा है और आपके दिल को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ जाकर। और अब हम बेहट पहुंच चुके हैं। ये सामने जो आपको एक बड़ा सा दरवाज़ा दिख रहा है, इससे हम होकर शाकंभरी देवी के दर्शन करने जाते हैं। ये एक ट्रेड मार्क है यहाँ पे कि हमें यहाँ से जाना है। ये रास्ता हमारा यहाँ से सेट होता है और इसके आगे का रास्ता है, बिलीव मी गाइस, इससे ज़्यादा ग्रीन रास्ता मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। दोनों साइड सड़क के बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ही। आप आगे की वीडियोज़ में देखेंगे, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ आने शुरू हो गए हैं। और अभी तो यहाँ थोड़ा ट्रैफिक है, आगे तो ट्रैफिक बिल्कुल कम हो जाता है, कुछ गाँव ही हैं। और ये बहुत ही सुंदर शिवालिक की पहाड़ियों की तरफ जाता हुआ ये रास्ता, बिल्कुल ग्रीनरी से भरा हुआ बहुत ही सुंदर रास्ता है। मान्यता है कि शाकुंभरी के दर्शन से पहले हमें यहाँ पर माथा टेकना होता है, तो पहले हम यहाँ पर चलेंगे। ये माँ के दरबार में से कुछ लोग जोत लाते हुए पूरे धूमधाम के साथ। अब भूरादेव जी के दर्शन करने के बाद हम आगे चले माँ के दरबार की ओर। यह आगे बरसाती नदी का रास्ता है। यहाँ पर जब बारिश होती है तो बाढ़ जितना पानी आ जाता है इतना पानी आ जाता है, लेकिन ये मंदिर अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। ये सिर्फ माँ की कृपा की वजह से होता है। और ये सामने खूबसूरत शिवालिक की पहाड़ियाँ जिसके बीच में ये मंदिर स्थित है।
बस इससे आगे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैं आगे मंदिर की वीडियो नहीं बना पाई हूँ। आप लोग यहीं से दर्शन कीजिए और जयकारा लगाइए, जोर से बोलिए जय माता की। अब हम दर्शन कर वापस आते हुए, ये यहाँ पर रुकने के लिए कुछ धर्मशालाएं हैं, लेकिन बहुत अच्छे होटल्स वगैरह तो यहाँ नहीं हैं। हाँ, ये कुछ धर्मशालाएं ज़रूर हैं यहाँ पर। और ये सामने शिवालिक की पहाड़ियाँ और वो सूरज, देखिए कितना सुंदर जो नज़ारा है ये। तो अब दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर कुछ नाश्ता करने के लिए रुके थे। खाना हम घर से लेकर आए थे, बस यहाँ पर बैठ के हमने थोड़ा चाय नाश्ता किया, धूप थोड़ी तेज़ हो गई थी। और ये हम अब अपना ब्रेकफास्ट करते हुए, तो अब हम दर्शन कर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये था आज का ब्लॉग शाकुंभरी देवी के दर्शनों का। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।